बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। This is me, your host Nimra, and you're watching my YouTube channel. So viewers, इस वक्त हमारे साथ हिंदी टीवी एक्ट्रेस महलीत सरकारी मौजूद है, जो कि बहुत ही जबरदस्त डिबेटर है। आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज वेलकम। ओके मैम, तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बेसिकली ये टॉपिक है कि इंडिया ने अपनी पहली फुली इलेक्ट्रिक मर्सिडीज जो है वो लॉन्च कर दी है, 850 किलोमीटर तक चलेगी पर चार्ज पे। मैम आप क्या कहेंगे इस बारे में कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग एक हब है, और जिस तरीके से हमें रोज बा रोज इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग नजर आती है, इंडिया की डेवलपमेंट नजर आती है, उस चीज को मैम आप पाकिस्तान के साथ कैसे कंपैरिजन करेंगी? आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप जिस तरफ भी आप देख लो, मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं, अगर आप एग्रीकल्चर में देखो, या आप कोरोना की एग्जांपल ले रहे हैं ना, आप पाकिस्तान ने कौन सी वैक्सीन निकाल ली थी? इंडिया मेड देयर ओन वैक्सीन और उन्होंने लोगों की मदद भी की उसके थ्रू, राइट? और अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान बेहतर हो सकता है अगर इंडिया के साथ रिलेशनशिप उनके बेहतर हो। तो हमने तो अभी तक आयरन इवन थे, हमने तो कभी एक सुई भी नहीं अभी ईजाद की होगी, बट इंडिया इज मूविंग। आईटी में देख लें तो वो आगे निकल चुके हैं, अगर आप उनकी फिल्म इंडस्ट्री देखें उसमें वो आपसे आगे। कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें वो आगे नहीं है? एक्चुअली दे आर कम्पीटिंग ऑन एन इंटरनेशनल लेवल विद द वेस्टर्न कंट्रीज, हालांकि चंद चीजों में तो वो उनको भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अगर आप फॉसिल फ्यूल्स के उसमें देखें तो इंडिया इज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, आप अपनी दूसरी फ्यूल जनरेट कर सकते हैं। यू नो, इवन फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, आई न्यू दिस वॉज गोइंग टू बी इट, एंड You will see in the future कि इंडिया दूसरी कंट्री से भी आगे निकलेगा। बिल्कुल। अच्छा मैम, पाकिस्तान ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार बना तो ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली लॉन्च नहीं हुई यहाँ पर, यूज नहीं, बिकॉज यहाँ पर लोड शेडिंग का काफी ज्यादा इश्यू है, तो वो सिर्फ बनी की बनी रह गई और अभी तक किसी ने उसकी सही से शक्ल भी नहीं देखी, तो इसके बारे में आप क्या कहने वाली है? देखिए, उस दिन मैं आरजू काजमी के साथ एक शो कर रही थी, तो हम लोग इमरान खान के ऊपर बात कर रहे थे। अभी आपने देखा होगा वो बुलेट प्रूफ हेड पे जो डाल के वो लेके जा रहे थे, तो वो कहने लगे कि पता नहीं कौन सी जगह पे, वो कह रही थी कि दो पुलिस वाले मारे गए थे, एक हफ्ते पहले की बात है, यानी उन लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। यानी हमारे मुल्क में जहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट भी दो नंबर की होती है, तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप गाड़ी चलाओगे कहाँ तक? लाइट ही नहीं है तो बंदा तो वही, पता नहीं एक दो दिन तक यहाँ तो लोड शेडिंग इतनी होती है तो आप गाड़ी चलाएंगे कहाँ से? आपके पास रिसोर्सेज है ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी यू डोंट हैव इट इन योर टाउन्स, गांव देहातों में तो इलेक्ट्रिसिटी आती ही नहीं है। इंटीरियर्स में अगर आप देखो तो वहां तो दिनों के लिए लाइट गई हुई होती है, तो आप पहले वो तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करें ना, फिर आप इलेक्ट्रिक कार पे आइए। अच्छा महालीत मैम, यहाँ पर रिसेंटली ही कुछ अर्सा पहले ये भी खबर आती कि टोयोटा जो है वो भी हमारा बायकॉट कर रहा है, लाइक डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज है वो अपनी जो कंपनीज है वो यहाँ से उखाड़ रही है, यानी कि वापस लेकर जा रही है। आपको क्या लगता है कि जहाँ पर वो लोग एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं, हम लोग जो है वो अपनी सारी इंडस्ट्रीज जो थी हमारे पास वो भी खो रहे हैं, क्या वजह लगती है आपको इस दवाली का शिकार क्या लगता है? बिजनेसेस को चाहिए होते हैं पैसे, दे नीड टू मेक मनी। अगर कोई भी बिजनेस जहाँ पैसे नहीं बना रहा होगा तो वहां से उठ के चला जाएगा। दूसरी बात यह कि सिर्फ यही छोड़ दें, गूगल हो जाए या फेसबुक हो जाए या ट्विटर हो जाए, कि कितनों के हेडक्वार्टर्स आपको पाकिस्तान में मिलते हैं इस वजह से, क्योंकि जब कोई थोड़ा कुछ हो जाता है, फ्रांस में कुछ इंसिडेंट हो गया है, कुछ होता है तो एम्बेसीज में चले जाते हैं, वहां जाके आग लगा देंगे। तो उन लोगों को भी होता है कि भाई हमारे आके यहाँ पे किसी ने आग लगा दी, कोई पागल हो आ गए, मॉब आ गए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो लॉट ऑफ पीपल डोंट वॉन्ट टू पुट देयर बिजनेस जहाँ उनको हाई रिस्क लगता है, यू नो, चाहे वो पैसों के उसमें हो, चाहे वो सेफ्टी का कंसर्न हो। तो हमारे पास ना पैसे हैं ना हमारे पास सेफ्टी है, तो व्हाई वुड एनीबॉडी वांट टू कम एंड इन्वेस्ट हियर?
लीज मैम, आपका ओरिजिन भी पाकिस्तानी, अगर आपको कभी मौका मिले पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का तो वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट योर मनी इन पाकिस्तान? मैं पाकिस्तान जब गई हूँ और मैंने वहां जाके काम किया था, तो मुझे अपने पैसे मिलने में मुझे 2 साल लग गए थे, ठीक है ना। वो भी पीछा कर करके उनको धमकियां दे दे के पैसे निकले थे मेरे। हम लोगों ने मेरी मम्मी ने एक डिपॉजिट दे दिया था एक जगह पे, वो पैसे निकालने में इतनी मुसीबत हुई, चाहे हम लोगों ने घर नहीं लिया। सो नहीं, मैं तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी। आई नो पीपल डू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज एंड स्टफ, मगर प्रॉपर्टीज का भी यह हाल है कि अगर आप वहां रहते नहीं हो तो लोग जाके कब्जा कर लेंगे। अब उनको उठाने के लिए यहाँ से मैं पाकिस्तान जाऊंगी, यू नो। सो माई इन्वेस्टमेंट आई फील आर नॉट सिक्योर इन पाकिस्तान, अनलेस के वहां पे कोई बैठ के उसको देख रहा होगा, और उसमें भी यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल। एक तो पाकिस्तान पे आप किसी में भरोसा नहीं कर सकते, 2 नंबर का काम हर जगह चल रहा होता है। सो आई विल नेवर इन्वेस्ट माई मनी इन पाकिस्तान। इन इंडिया में भी यस, अगर इंडिया में मुझे मौका मिले और जाकर वहां रहने का या प्रॉपर्टीज में या किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने का, तो आई आई विल बी मोर सिक्योर। मुझे फील ये होगा कि ये बेहतर है मेरे लिए बनिस्बत गोइंग इन पाकिस्तान। ओके मैम, पाकिस्तान को आपने रिजेक्ट किया है तो इसकी क्या वजह? क्या यहाँ पर लोगों में लिटरेसी रेट ज्यादा नहीं है? यहाँ के लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, उनको नहीं पता कि किस तरह से बिहेव करना है? क्या वजह लगती है यहाँ पे? अब देखिए, आपका ओरिजिन पाकिस्तानी है, आप ये कह रही है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो सेम यही स्टेटमेंट हमारे लिए आती है। इवन जो हमारे बच्चे बाहर के मुल्कों में पढ़ने गए उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि उनकी भी कंप्लेन्स आ रही है बड़ी वाहियात किस्म की। तो मैम आपको क्या वजह लगती है? आई थिंक देखिए, आपकी चले आपकी आवाम जाहिल ही क्यों ना हो, ठीक है, जाहिल भी है, मगर एक लॉ एंड ऑर्डर होता है। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर होगा ना, छितर पड़ते हैं लोगों को, तो लोग सीधी लाइन में खड़े होते हैं, लाइन तोड़ के नहीं खड़े होंगे, राइट। तो एटलीस्ट अगर लॉ एंड ऑर्डर वहां पे कर दिया जाए, प्रॉपर लोगों को एक प्रॉपर चीज सिखाई जाए, तो सीखते हैं लोग, उनको सिखाई नहीं जा रही है ना। और फिर एजुकेशन नहीं है, हमारी कितना बड़ा तबका है हमारा जिनके पास एजुकेशन ही नहीं है, उनको समझ में ही नहीं आ रही है। राइट नाउ पाकिस्तान में सिर्फ जो जितने भी हमारे लीडर्स आए हैं, उन्होंने अपनी गद्दी में बैठना है, पैसे बनाने हैं, यू नो एस्टेब्लिशमेंट में पैसे बनाने हैं। लोगों का तो कोई सोचना ही, उनको जाहिल रखो, क्योंकि अगर लोगों ने पढ़ लिख लिया तो फिर वो जान जाएंगे कि भाई ये लोग तो, इन लोगों को, ये तो हमारे लिए काम कर रहे हैं। उनकी अकल आ जाएगी ना, थोड़ा शऊर आ जाएगा, और जहाँ थोड़ा शऊर कि जिसको आ जाता है, उसको फिर वो ऑब्वियसली एक इस्लामिक मुल्क को रिलीजन के ऊपर लगाकर उसकी आग लगा के उसकी तीली लगा कर आगे उनको बेवकूफ बना देते हैं। सो इट इज वेरी हार्ड। इंडिया में ये है कि आई एम नॉट, मुझे नहीं पता, मैं रही नहीं हूँ, मगर लगता तो ये ना कि उनका एक रूल है, एक लॉ वहां बने हुए हैं, एक सिस्टम है कि भाई आप कॉफी की शॉप पे जाते हैं तो एक लाइन में खड़े होते हैं आप, ये नहीं कि आप एक दूसरे के उसमें होते हैं। पाकिस्तानियों का हमारा क्या है, हम यहाँ से, मैंने खुद ट्रेवल किया था, आई वॉज वॉचिंग दिस, कि दुबई पे भी हम उतरे हैं तो लाइन में खड़े हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में उतरे हो एक दूसरे के ऊपर। अभी तो आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे थे, पाकिस्तान पहुंचते सारे सारे रूल्स इनको नहीं पता, कचरा यहाँ फेंक दिया। मुझे हैरत होती थी जो लोग बाहर के मुल्कों में रह के बाहर कचरे फेंक रहे हैं या लाइन ब्रेक कर रहे हैं, स्मॉल लिटिल थिंग्स, यू नो, क्योंकि आपको तो शऊर आता है ना, आप तो आ रहे हो ऐसे मुल्कों में, आप पढ़े लिखे भी हो, क्योंकि एवरीवन कैन डू इट। सो इट्स बोथ, आई थिंक इट्स बोथ एजुकेशन की और एक लीडरशिप की और एक लॉ एंड ऑर्डर की बहुत जरूरत है। मैम आपने विजिट किया है इंडिया को भी, तो कुछ आपने नोटिस किया होगा कि आखिर अगर वो 5वें नंबर पर मईशत है या वहां पर जो बाहर की मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, वो इन्वेस्टमेंट करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखती है, उनको अप्रोच कर रही है, तो उसकी कुछ ना कुछ रीजंस तो आपके माइंड में आई होंगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है क्यों दे आर शाइनिंग इन द वर्ल्ड? लेकिन जब आप बात करें ना, जब पार्टीशन हुआ है तो देवर बोथ इक्वल आई वुड से, यू नो, नया नया बना था, उनके पास मौका था, पाकिस्तान के पास, एंड पाकिस्तान वाज डूइंग गुड, मगर फिर जो वो एक टर्न आई और इस्लामाइजेशन जो हुई है पाकिस्तान की, तो उसपे किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए यू नीड टू हैव लाइक एन ओपन इजाद करने के लिए, एंटरटेनमेंट हो, जो भी इंडस्ट्री हो, हमारे ऊपर एक ये सीलिंग लगी हुई है, आप इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हो। और वो आ जाती है आपकी रिलीजियस सीलिंग इन द गवर्नमेंट। आप या तो डेमोक्रेसी चलाएं सेक्युलर तरीके से, या फिर आप पूरा फिर शरिया लॉ लेकर आए वो चलाएं सही तरीके से। अभी ये लोग मैनेज कर रहे हैं बोथ, एंड यू कैन नॉट हैव बोथ। उसमें ये हो जाता है कि आप आकर एक सीलिंग पे रुक जाते हैं, चाहे वो तरक्की हो, किसी भी चीज में हो, वहां जाके आपको वो चीज रोक देती है। वेयर इंडिया डजंट हैव दैट लिमिट, यू नो, उनके ऊपर वो लिमिट नहीं है। आई मीन दे हैव रूल्स एंड लॉज, मगर उनके लॉ में उनका रिलीजन नहीं है। आप अगर देखें तो देयर लॉज आर नॉट मेड बेस्ड ऑन हिंदुइज्म, देयर लॉज आर मेड नेशन ऑन फर्स्ट है उनका, नेशन फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट नहीं, वो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करते हैं,
They are a secular nation, you know. तो वो हम सेक्यूलर नहीं है, तो दैट्स व्हाई यू सी दैट डिफरेंस. और इंडिया जो है वो तरक्की करता गया क्योंकि उनकी वो लिमिटेड सोच नहीं थी, वो खुला सोच रहे थे. तो ये उन्होंने ये भी उसमें भी कोशिश की, उसमें भी कोशिश की, एंड दे हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन एज वेल, राइट? सो जी, और हम कहते हैं कि हम लोग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो है लेकिन सेक्युलर भी है क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटीज को सारे राइट्स होते हैं. तो क्या ये इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या ह्यूमन राइट्स वाकई पाकिस्तान में है? माइनॉरिटीज को आप छोड़ दें, मुसलमानों को खुद के कौन से राइट्स मिल रहे हैं पाकिस्तान में? माइनॉरिटीज को तो दूर की बात है, माइनॉरिटीज को तो हमने राइट्स दिए नहीं है. बहुत कम लोग हैं माइनॉरिटीज में, जो आप हिंदूज देख लें या क्रिश्चियंस देख लें, जो हाईली एजुकेटेड और अच्छी पोजीशंस पे है ना, दे आर मोर सिक्योर. मगर जो गरीब लोग हैं जो इंटीरियर सिंध में और दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, हिंदूज को आप उठा लें या इवन क्रिश्चियंस को आप उठा लें, तो उनके ऊपर तो बहुत जुल्म होता है. उनके ऊपर उनको ताने कसे जाते हैं, वी स्टिल कॉल चूड़ा चमार, ये सारे वर्ड जो है ये हम सिर्फ जो है क्रिश्चियंस के लिए यूज करते थे. चंद जॉब्स हैं जैसे कि क्लीनिंग जॉब्स हैं, गटर साफ करने की जॉब्स हैं, इस तरीके की, वो सारी हमने क्रिश्चियंस के लिए रखी है. तो आपके प्राइम मिनिस्टर जो है, तो मैं भी एग्री करती हूँ, तो आप प्राइम मिनिस्टर आपके उसमें कोई नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता है. अभी इमरान खान ने जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उनको लाए थे, तो वो अहमदी थे, तो उसपे शोर मच गया था. तो वी हैव नो राइट्स. आप वही मैं कह रही हूँ ना, माइनॉरिटीज को छोड़ दें, पाकिस्तान में मुसलमानों को कौन से राइट्स दे रहे हैं आप? मुसलमानों को आप दो वक्त की रोटी नहीं दे सक रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सक रहे हो, पावर नहीं दे जो है पानी नहीं दे सक रहे हैं आप उनको, तो ना दवाई दे सकते हो. तो आप खुद मुसलमानों को कौन से राइट्स मिल रहे हैं वहां पर? एग्जैक्टली तो ये जो फिर ब्लेम गेम खेला जाता है, ये बातें जो पाकिस्तान की जानिब से भारत के लिए की जाती है, फिर उनमें क्या सच्चाई है? एज आप क्योंकि आप पाकिस्तानी रीजन की, आपको भी पता है दोनों कंट्रीज की सूरत हाल, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं इंडिया खुद तो गई नहीं हूँ, मगर जितने लोगों से मैं बात करती हूँ, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदूज हो, ये बात तो है कि जो हालत वहां पर मुसलमानों की जो राइट्स है वो उनको ज्यादा बेहतर है बनिस्बत पाकिस्तान के, राइट? बट देन वी ऑल्सो हैव दिस प्रॉब्लम पाकिस्तानियों में, यार मैं कहूंगी चंद चंद मुसलमान है जिनमें ये प्रॉब्लम है कि वो तो यार वेस्ट में रहते हुए भी कहते हैं कि हम पे यहाँ भी जुल्म हो रहा है. यू नो, ये एक चीज बन चुकी है, सॉरी टू से, कि मुसलमानों की, कि वो किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहां पर वो चीख रहे होते हैं. अभी यहाँ पर इस्लामोफोबिया के नाम पे, कि इस्लामोफोबिया हो रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है. कहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा, मैं तो पूछती हूँ कहाँ जुल्म नहीं हो रहा आपके ऊपर, यू नो? सो अगर इस्लामिक कंट्रीज इतनी अच्छी हैं और अगर लोग कहते हैं कि भाई हम पे जुल्म हो रहा है इंडिया पे, तो भाई आप लोगों ने एक मुल्क बनाया तो था ना अपने लिए, अब क्या इंडिया के और टुकड़े करेंगे हम? आप वहां जाके रह सके, 56 कंट्रीज है, कितनी 54 इस्लामिक कंट्रीज है, आप कहीं भी जाके रह सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक सेक्युलर कंट्री में बैठे वहां पर और कहें भाई हम पे यहाँ पे जुल्म हो रहा है. हालांकि दे हैव ऑल देयर राइट्स, और वो अपने सारे राइट्स लेते हैं अंडर माइनॉरिटीज. जो राइट्स मेरे ख्याल से वहां के लोगों को नहीं है, वो मुसलमानों को है, राइट? फॉर वुमेन इट्स डिफरेंट राइट्स फॉर मुस्लिम वुमेन एंड डिफरेंट राइट्स फॉर हिंदूज एंड ऑल दोज वुमेन. आप मैंने ये सुना है, आई एम नॉट 100% श्योर, कि मुसलमान जो लड़की है वो 18 साल से अंडर शादी हो सकती है उसकी, मगर हिंदुओं की या दूसरे मजहबों उनकी नहीं हो सकती. सो आई थिंक अंडर अ सेक्युलर नेशन सारे लॉज सबके लिए इक्वल होने चाहिए. देयर शुडंट बी ए कि भाई आपके रिलीजन के बेस पे उस पे बने. सो दैट वुड बी माय आंसर कि आई डोंट थिंक व्हिच ऐसा हो रहा है. अभी कश्मीर में ही बोल रहे होते हैं, कश्मीर में देखो कितना जुल्म हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, एंड यू टॉक टू देम, वो कहते हैं भाई हम तो यहाँ बहुत ठीक है, हम तो अच्छे हैं, हम वी आर हैप्पी. Yes, exactly. अच्छा मैम, बेसिकली हम बात कर रहे थे मर्सिडीज कार पर, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक कार्स की बात करूँ तो पाकिस्तान में भी इस वक्त इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक कार्स चल रही हैं, बट वी डोंट हैव मच चार्जिंग स्टेशंस, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है. लाइक गाड़ी कभी भी बंद हो जाए तो मसला होता है, बिकॉज हमारे पास चार्जिंग स्टेशन तो है नहीं. तो आप क्या कहेंगी कि इस चीज का हल कैसे हो सकता है पाकिस्तान में? कितना अर्सा लगने वाले हैं अभी हमें डेवलप होने के लिए? ओह माय गॉड, पाकिस्तान में आप ले आए इलेक्ट्रिक कार. जब मैं पाकिस्तान गई थी 10 साल पहले, तो वहां पर कभी कभार BMW, मर्सिडीज, यू नो, एस्केलेट दिख जाती थी आपको. मैं कराची की बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद में दिख जाती थी, हाई फाई एरियाज में ना, अमीरों के एरियाज में दिखती थी आपको, सदर में, नाजमाबाद में, हैदरी में, कोई आपको ये जो है गाड़ियां नहीं दिखेंगी वहां पर, वो सो अपनी छोटी छोटी गाड़ी. दिस इज समथिंग फॉर द एलीट्स. ये इलीट्स के लिए है, ये जो आपकी आम आवाम है वो इससे रिलेट नहीं कर सकती है. ना तो आप सदर में आपने स्टेशन लगाने हैं, आपने कोई ऐसी जगहों पे वो स्टेशन नहीं लगाने, आपने लगाने डिफेंस क्लिफ्टन, बड़े बड़े एरिया में जहां पर लोगों की पावर नहीं जाती है,
उनकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है, उनके पास पानी आता है, और कैसे पानी आता है, टैंकर आते हैं उनके पास, राइट। सो ये कर तो लेंगे मगर वो सिर्फ वो 1% के लिए करेंगे जहां पे सारा पैसा लग रहा होगा, या तो पॉलिटिशियंस हैं या तो बिजनेसमैन है, मगर एक नॉर्मल बंदा जो पाकिस्तानी वो इससे रिलेट नहीं कर सकता। उसको इलेक्ट्रिक कार्स नहीं चाहिए, उसको ये चाहिए कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, यानी लोड शेडिंग बंद हो जाए। इट्स 2023 और अभी हमारे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड किया आपने, साफ पानी नहीं प्रोवाइड किया है। आप चले इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए, किसके लिए? वो अमीर लोगों के लिए, उनके टॉयज है वो, उनके पास सब कुछ है। अमीर पाकिस्तान में पैसा बड़ा है मगर वो सही जगह पे लगता नहीं है। Exactly. बिल्कुल, मैं ऑब्वियसली जो जितने लोगों ने अभी तक पाकिस्तान को खाया है उसी को जिम्मेदार करूंगी मैं, क्योंकि मुझसे एक दिन किसी ने कहा था देखो कितना पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क है, 1947 से आजाद हुआ है, कब से लुटता आ रहा है लुटता आ रहा है, मगर अभी भी चल रहा है। यही बात है ना, बड़ा अमीर मुल्क है, पैसा आपके पास आ रहा है और आपके कहाँ जा रहा है वो पैसा, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है उसकी, कहाँ लगा रहे हैं। आपके पास अगर $100 आ रहे हैं उसमें से $20 आपने उठा के यहाँ लगा दिए, बाकी $80 आपने लगा दिए फॉरेन में अपना जो भी कुछ खोलने के लिए। सारे पॉलिटिशियंस के पास क्यों, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, जो जितने एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, सबकी प्रॉपर्टीज बाहर है, सबके बिजनेसेस बाहर है, सबके बच्चे बाहर है, सब कुछ तो बाहर है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? आपके पास अगर डोनेशन भी आती है ना फ्लडिंग की या जो भी आती है, उसमें से भी ये सिर्फ ₹20 लगाएंगे और 80 रुपए जो है वो उठा के उन्हीं के पास फंडिंग करते हैं। और गोरे भी वेस्टर्न कंट्रीज में इनको नहीं वैसे डोनेशन दे रही होती है, क्योंकि उनको पता है कि वो लौट फिर के पैसा आना हमारे पास ही है वापस, इन्होंने थोड़ा सा लगाना है बाकी आ जाएंगे और हमारी जय जयकार भी हो जाएगी कि देखो हमने इतनी फंडिंग की। सो इट्स ऑल अ वेरी मैनिपुलेटिव गेम, जिस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। अगर वही सारा पैसा आपने इन्वेस्ट किया होता पाकिस्तान के ऊपर लगाया होता और उसको रिलीजन के नाम पे नहीं रोका होता, एंड देन यू डिडंट स्टार्ट टेररिज्म ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सो पाकिस्तान वुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल कंट्री, यू नो, बट क्या किया जाए उसका। ओके मैम, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी और बात को वाइंड अप करना चाहूंगी कि जब पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती है, आज फिर से पेट्रोल जो है वो हमारा महंगा हुआ है यहाँ पर, तो पेट्रोल डीजल गैस वगैरह जब भी महंगी होती है तो हमें स्टेशन वगैरह पर गाड़ियां ज्यादा जमा हुई नजर आती है ताकि और महंगाई ना हो जाए, हम पहले ही अपनी टैंकियां फुल करवा ले। अगर किसी चीज की कीमत पे ज्यादा टैक्स होता है तो उस दुकान पर डबल जो है वो रेट डबल रश है वो लग जाता है, एज कम्पेयर टू अगर मैं कुछ अर्सा पहले इंडिया की बात करूँ तो जब वहां पर पेट्रोल प्राइसेस बढ़े थे तो वहां पर एक एहतजाज निकला था जिसके बाद प्रॉपर उस पर वर्किंग की गई और प्राइसेस को कंट्रोल किया गया। तो आप क्या समझती है कि आवाम को किस तरह से एजुकेट करने की जरूरत है यहाँ पाकिस्तान में, एट द एंड आप इस चीज को कैसे कंक्लूड करेंगी? वही बात तो ये, कहाँ आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने पहुंचे, लोगों के पास पेट्रोल नहीं है तो गाड़ियां जो लोग आम आवाम है वो कहाँ से चलाएगी। लोगों में यही डर रहता है कि हाँ महंगाई हो जाएगी और हो जाएगी, इससे ज्यादा और क्या महंगाई होगी। निकलेंगे लोग, ये नहीं कि पाकिस्तान में नहीं निकलेंगे, तब निकलेंगे जब लोग भूख से सड़कों पर मर रहे होंगे, यानी इट हैज टू गेट टू दैट एक्सट्रीम, और पहुंच रहा है। अगर आपने देखो तो ऑटो के ट्रक के पीछे कितने लोग मर गए, लूटते लूटते लोग मर गए, राइट। सो दिस इज गोइंग टू जब ये इस तरीके से और होगा तो लोग फिर पॉलिटिशियंस के घर तक भी पहुंचेंगे। ये श्रीलंका की बात थी, कहां पे थी जहां पर वो श्रीलंका की बात स्विमिंग पूल में, उसमें जब तक ये नहीं होगा ना पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। जब तक ये इमरान खान नवाज शरीफ इन लोगों के घरों के अंदर घुस के वहां पर जाके तस्वीरें नहीं ले रहे होंगे ना, दिस इज व्हाट विल हैव टू हैपन, क्योंकि आपका पैसा ये लोग खा रहे हैं, ये जो सारी एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, ये सारे बिजनेसमैन जो बैठे हुए हैं ये खा रहे हैं आपका पैसा। ये पेट्रोल की प्राइसेस क्यों नहीं ये कर सकते हैं, लाइक व्हाई कैन't यू कंट्रोल समथिंग, व्हाई कैन't यू रन योर कंट्री प्रॉपर्ली। बिल्कुल मैम, मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस बात को मैं भी मानती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी मानती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान अगर किसी भी शोबे की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, कोई भी सेक्टर उठा लिया जाए तो काफी ज्यादा पीछे, जिस पर हमें वर्किंग करने की जरूरत है और गलत के खिलाफ आवाज भी उठाने की जरूरत है ताकि शऊर आए हमारी आवाम में, हमें पता हो क्या सही है क्या गलत है और किस तरीके से जो है वो आवाम ने भी रिएक्ट करना है अगर कुछ गलत होता है। तो इस बात को मैं भी एग्री करती हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड एक दफा फिर से थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया, हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।